अगर आपके रियलमी फ़ोन में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, यहाँ देख सकते हैं फ़ोन लॉक है और स्वाइप करने पर स्पीच रेट लिखा आ रहा है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर ये ग्रीन आउटलाइन शो हो रही है और स्क्रीन पर कहीं पर भी टैप करने पर कुछ वॉइस सुनाई देती है। तो ये होता है टॉकबैक ऑन होने की वजह से, तो कैसे आप टॉकबैक को ऑफ़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो उसके लिए पहले फ़ोन को अनलॉक करना होगा, तो आपको टू फिंगर्स का यूज़ करते हुए इस तरीके से स्वाइप अप करना है और अब यहाँ पर पिन एंटर कर देते हैं तो फ़ोन अनलॉक हो गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी ऐप आइकन पर टैप करें या स्क्रीन पर कहीं पर भी टैप करें तो इस तरीके से ग्रीन बॉक्स शो हो रहा है और कुछ वॉइस भी सुनाई देती है। अब यहाँ पर स्वाइप भी देख सकते हैं नॉर्मली नहीं हो रहा है। तो स्वाइप करने के लिए आपको टू फिंगर्स का यूज़ करना है इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से स्वाइप अप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेटिंग्स में आना है, टैप करके डबल टैप करना है तो सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है टू फिंगर्स का यूज़ करते हुए। अब यहाँ से एक्सेसिबिलिटी में आना है तो टैप करना है, फिर डबल टैप करना है, फिर यहाँ से टॉकबैक में आना है, टैप करके डबल टैप करना है, यूज़ टॉकबैक, टॉकबैक ऑन है तो टैप करना है, डबल टैप करना है, तो यहाँ से आप टॉकबैक को स्टॉप कर सकते हैं टैप करके, डबल टैप करके स्टॉप पर। ठीक है, तो टॉकबैक ऑफ हो गया है, अब आप अपने फ़ोन को नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने रियलमी फ़ोन में टॉकबैक को ऑफ़ कर सकते हैं।